नमस्कार। घर में ना बनाए बार, नहीं तो पड़ेगी कुदरत की मार। मतलब यह है कि बार कहते हैं शराब खाना, मैं खाना। आजकल मैंने देखा है बड़े बड़े परिवारों में, कोठियों में मेहमानों को, दोस्तों को परोसने के लिए अलग से मदिरा का एक बार बना देते हैं। वास्तु के अनुसार इसको दक्षिण पूर्व के कोने में, यानी अग्नि कोण में, जहाँ शुक्र का आधिपत्य है वहाँ बनाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर अगर परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती हैं, उस घर में, कोठी में, किसी विला में यदि आप सोच रहे हैं कि बार बना करके वहाँ मित्रों को बुलाया जाए और पार्टी की जाए, ऐसा आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। घर में शराब खाना मत बनाइए, बाहर बिल्कुल ना बनाइए। यदि आपको आदत है कुछ ड्रिंक करने की तो बाहर जाकर पीजिए। घर को नरक मत बनाइए। मैंने देखा है कई उद्योगपति डूबते हुए, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन गाजियाबाद के एक उद्योगपति थे, सरदार जी थे, उन्होंने एक मकान बनाया, बहुत शानदार कोठी, बुलाया मुझे भी इसे बार बनाना है, बार का बनाए। मैंने मना किया, भाई देखो पारिवारिक मामला है, आपके साथ अच्छे संबंध हैं, तो घर में अगर ये शराब की स्थिति बनाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उनको क्योंकि आधुनिकता का शौक था, नहीं मानी बात और उन्हें मैंने उसको उचित सावधा करके बधाई ली। मैंने कुछ ही साल में, 3-4 साल के बाद देखा कि उनकी फैक्ट्री बिक गई है, घर की महिलाएं परेशान हो रही हैं, आपस में अनबन है, तो दिक्कत आती है। एक और मेरे मित्र हैं, मित्र का क्लाइंट हैं, उनके उन्होंने भी एक बार बना रखा हो, सेकेंड फ्लोर पर नॉर्थ ईस्ट की ओर में एक काउंटर बना रखा है, उस पर पीछे बोतल रखने का स्थान बना रखा है। वहाँ बहुत ही परेशानी हो रही थी, बुलाया कि क्या बात है। नॉर्थ ईस्ट में यानी बृहस्पति के क्षेत्र में बार शराब का कार्य है। मुझे बहुत दुख हुआ कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं भाई, पैसा के पास आगे अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना आप अपने चरित्र को उतना गिराओ। एक तो बार घर में होनी होना चाहिए, दूसरा जो है आपने नॉर्थ ईस्ट में बार बनाया है, ये तो आपको पाताल मिल जाएगा। और हुआ भी यही, जब मुझको बुलाया था बता रहे थे कि मेरी सारी संपत्ति मेरे परिवार पड़ी है पिछले दिनों, और सब संपत्ति का नाश हो गया है। तो ऐसे ध्यान रखिए, अनुभव बता रहा हूँ आपको मैं, बार यानी शराब घर घर में न बनाएं। आप अच्छी स्टाइल जीतना चाहते हैं तो बहुत बार बने होते हैं, वहाँ जाइए, वहाँ बिगड़ाइए, घर को बार न बनाएं, नहीं तो भाग्य आपके घर से बाहर निकल जाएगा, दुर्भाग्य प्रवेश कर जाएगा और घर में क्लेश, टेंशन और दुख आ जाएंगे। धन्यवाद।